COVID-19 pandemic is still going on and it may go longer. The reason behind this statement lies into the fact of originating a new variant of COVID-19 virus frequently. So in this particular video, we will be discussing about a new variant of COVID-19 virus, which is Lambda variant, a new highly dangerous variant of COVID-19. So hey everyone, MedicoX welcomes all of you. Myself Dev, and currently I am studying in third year MBBS from Government Medical College, Jagdalpur. First of all, feel free to watch this video completely, regardless a medico or non-medico. सो पिछले कुछ टाइम में इंडिया में COVID-19 या कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट देखने को मिला था, जिसे नाम दिया गया था डेल्टा वेरिएंट। सो करेंटली द रनिंग सेकेंड वेव ऑफ COVID-19 वायरस इन इंडिया इज बिकॉज ऑफ दिस डेल्टा वायरस। द 55% ऑफ केसेस ऑफ COVID-19 इन इंडिया इज बिकॉज ऑफ दिस डेल्टा वायरस। द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस डेल्टा वायरस इज B1.617। वी ऑल नो दैट द COVID-19 हैज बिकम अ पेंडेमिक और ये वर्ल्ड के हर एक छोटे से छोटे कोने में फैला हुआ है। COVID-19 के नए वेरिएंट की इस श्रेणी में एक नया वेरिएंट आकर जुड़ गया है, जिसे कहा गया लेमडा वेरिएंट, जिसका साइंटिफिक नेम है C.37। सो इन द साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देयर इज अ कंट्री नेम्ड पेरू। सो लेमडा वेरिएंट का सबसे पहला केस अगस्त 2020 में इस पेरू देश में देखने को मिला था। तब ये उतना प्रीडोमिनेंट नहीं हो पाया था, लेकिन अप्रैल 2021 से लेकर के अभी तक के समय में 81% ऑफ द केसेस फ्रॉम COVID-19 जो कि पेरू देश में है या जितने भी साउथ अमेरिका के देश हैं, वहाँ पर के 81% ऑफ COVID-19 केसेस आर बिकॉज ऑफ दिस लेमडा वायरस। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, COVID-19 का ये लेमडा वेरिएंट वर्ल्ड के 29 कंट्रीज में फैल चुका है। ये कंट्रीज मेनली साउथ अमेरिका से बिलोंग करते हैं या तो यूरोपियन कंट्री में से एक हैं। सो वेरियंट्स के बारे में इन सभी बातों को सुन करके डेफिनेटली यू विल हैव अ क्वेश्चन कि ये वेरियंट्स कैसे डेवलप होते हैं। सो इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है एक लाइन से, फाइट फॉर सर्वाइवल। COVID-19 वायरस ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है और ह्यूमन उस COVID-19 वायरस के अगेंस्ट में अपनी इम्यूनिटी डेवलप करता है। अब ये इम्यूनिटी एक्वायर्ड टाइप की होती है, ये भले ही एक वैक्सीनेशन के थ्रू ली जा सकती है या किसी अन्य तरीके से ली जा सकती है। इसी इम्यूनिटी के बदौलत COVID-19 वायरस ह्यूमन को और ज़्यादा इन्फेक्ट करने का कैपेबल नहीं हो पाता है। तब की कंडीशन में COVID-19 वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल में चेंजमेंट करता है और ये जेनेटिकली चेंजेस COVID-19 वायरस को ह्यूमन बींग को वापस से रीइन्फेक्ट करने के लिए कैपेबल बना देते हैं। कोई भी वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल में चेंज तभी कर पाता है जब वो रेप्लिकेट होता है, मतलब जब वो अपनी संख्या बढ़ाता रहता है। इसे हम दूसरी भाषा में कहते हैं रेप्लिकेशन। तो जब कभी भी वायरस रेप्लिकेट होकर के अपनी नंबर बढ़ाते रहते हैं, तब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होता है अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज करने का। ये चेंजेस ह्यूमन बींग में पहले से प्रेजेंट जो COVID-19 वायरस था उसके खिलाफ जो रेजिस्टेंट डेवलप हुआ था, जो इम्यूनिटी डेवलप हुई थी, ये उसे क्रॉस कर जाते हैं। इसे दूसरी भाषा में कहा जाता है इम्यूनिटी स्केप। सो दिस वॉज अ बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द ओरिजिनेटिंग ऑफ अ न्यू वेरियंट फ्रिक्वेंटली। अभी के टाइम में देयर आर 7 वेरियंट्स ऑफ COVID-19 प्रेजेंट वर्ल्ड वाइड। सो द वेरियंट्स अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये चारों वेरियंट्स को कहा जाता है वेरियंट ऑफ कंसर्न, मतलब एक ऐसे वेरिएंट जिनके बारे में हमें चिंता करने की ज़रूरत है, मतलब एक ऐसे वेरिएंट जो कि वर्ल्ड वाइड फैल चुके हैं, जो कि किसी कम्युनिटी में फैल चुके हैं और वहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट के साथ में। इनके अलावा 3 वेरिएंट्स ऐसे हैं जिन्हें वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है। ये वेरिएंट्स अभी वर्ल्ड वाइड नहीं हैं, लेकिन आगे चल करके जब ये वर्ल्ड वाइड होते हैं और इनकी सीवियरिटी सामने आती है, तब ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के वेरिएंट्स वेरिएंट ऑफ कंसर्न के अंडर क्लासिफाइड किए जा सकते हैं। सो किसी भी वायरस के जेनेटिक मटेरियल में चेंजमेंट होने की वजह से एक नया वेरिएंट सामने आता है और इस नए वेरिएंट के पास कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी हो सकती है, उसकी इम्यून स्केपिंग प्रॉपर्टी हो सकती है और उसकी सीवियर फॉर्म ऑफ डिसीज कॉजिंग प्रॉपर्टी भी हो सकती है। जब ये सारी प्रॉपर्टी अपनी सीवियर और एक्सट्रीम लेवल पर होती है, तब ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के वायरस वेरिएंट ऑफ कंसर्न के अंडर रिक्लासिफाइड किए जाते हैं। अनदर थिंग दैट यू विल बी थिंकिंग, विच इज़ द मोस्ट कॉमन एज ग्रुप विच इज़ इन्फेक्टेड बाई दिस वेरियंट। सो द आंसर इज एनी एज ग्रुप, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अ चाइल्ड टू द एडल्ट, एनी एज ग्रुप इज इक्वली इन्फेक्टेड बाई दिस वेरियंट ऑफ COVID-19 वायरस। अनदर थिंग इज इट मोर डेंजरस देन द प्रीवियस वन विच इज ऑल्सो नोन एज डेल्टा वायरस। सो एज आई टोल्ड यू, करेंटली इन इंडिया देयर इज प्री डोमिनेंट केसेज ऑफ डेल्टा वायरस। सो डेंजरस को बताने के लिए हमें कुछ पैरामीटर ध्यान में रखने होंगे।
जैसे कि इन्फेक्टिविटी रेट, एक वायरस किसी कम्युनिटी में कितनी तेजी से फैल सकता है, और इस इन्फेक्टिविटी की प्रॉपर्टी उस वायरस के ऊपर प्रेजेंट म्यूटेंट स्पाइक प्रोटीन्स की नंबर पर डिपेंड करता है। डेल्टा वायरस में इसका नंबर 3 था, जबकि लेमडा वायरस में जस्ट दोगुना या उससे ज़्यादा 7 है। सो ऑफकोर्स हम ये कह सकते हैं कि लेमडा वायरस की इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा होगी, इसकी सीवियरिटी रेट तो ज़्यादा है ही, तो ये डेंजरस होगा। फॉर्चुनेटली ये इंडिया में अभी इसके एक भी केस देखने को नहीं मिले हैं। अगर हम पूरे एशिया कॉन्टिनेंट का बात करें तो एकमात्र ऐसा देश है इसराइल जहाँ पर इसके केसेस देखने को मिले हैं। रेस्ट ऑल दी केसेस आर प्रेजेंट इन साउथ अमेरिकन कंट्रीज एंड सम ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। एक क्वेश्चन जो कि आपके मन में अराइज हो रहा होगा कि क्या इंडिया को, मतलब कि हमें इससे डरने की ज़रूरत है? सो द आंसर इज ऑब्वियसली यस। जस्ट लाइक बिफोर, COVID-19 चाइना में अराइज हुआ था, लेकिन उसके बाद पूरे वर्ल्ड वाइड फैल चुका था। उसी तरीके से कोई भी वेरिएंट एक कंट्री में अराइज होने के बाद पूरे वर्ल्ड वाइड फैल सकता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द कंट्रीज विच आर अफेक्टेड फ्रॉम द लेमडा वायरस, लाइक जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज। ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन दीज कंट्रीज एंड इंडिया इज फ्रीक्वेंट, सो इट इज नॉट नोन दैट वेन एंड वेयर दी अनदर केसेज ऑफ दिस वेरियंट कैन बी सीन। अब हम इसके कुछ मेडिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट विल बी द सिम्टम्स ऑफ दिस अनदर वेरिएंट। सो एज वी ऑल नो कि जो पुराना COVID-19 वायरस था, जैसे कि डेल्टा वायरस है या अल्फा, बीटा, गामा, जितने भी वायरस हैं, उन सभी की वजह से होने वाले क्लिनिकल फीचर्स लगभग सिमिलर होता था। ये यूजुअल सिम्टम्स जैसे कि कफ, हाई ग्रेड फीवर, लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन एज वेल एज लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, बॉडी पेन, रेस्टलेसनेस एंड मोस्ट कॉमनली ब्रेथलेसनेस। COVID-19 के इस नए वेरिएंट में भी यही सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी, इफ द क्लिनिकल सिम्टम्स एंड साइंस आर द सिमिलर, द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विल बी द सेम। सो हियर लेट्स डिस्कस अबाउट द लास्ट थिंग, व्हाट वी कैन डू। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट व्हाट वी कैन डू। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जितना ज़्यादा इन्फेक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा इसके पास अनदर वेरियंट्स को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होगी, उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। सो इसे बचने का एक ही तरीका है, इन्फेक्शन को घटाना, इन्फेक्शन रेट को घटाना। एंड हाउ वी कैन डू दिस, बाय वेयरिंग अ मास्क, सैनिटाइजिंग एंड वॉशिंग हैंड्स फ्रिक्वेंटली एंड मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंस। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, वैक्सीनेशन। COVID-19 के वैक्सीन को लेकर के इंडिया में बहुत ही ज़्यादा भ्रम फैला हुआ है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या वैक्सीनेशन हमें आने वाले नए वेरिएंट से बचाएगी? COVID-19 के अगेंस्ट में दिए जाने वाले ये वैक्सीन क्या अभी भी कारगर साबित होंगे? क्या अभी भी ह्यूमंस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे तब जबकि COVID-19 के डिफरेंट वेरिएंट्स प्रेजेंट हैं? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी वायरस धीरे धीरे अपने जेनेटिकली मटेरियल को चेंज करता है, तो उसमें जो चेंजेस होते हैं वो धीरे धीरे करके होते हैं, एक ड्रास्टिक चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। मतलब कि एक वायरस का कंप्लीट पार्ट चेंज हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। और वैक्सीन जो कि पहले से प्रेजेंट वेरिएंट्स के अगेंस्ट में बनाए गए थे उनके साथ ऐसा नहीं होगा कि वो कम्प्लीटली इनअफेक्टिव हो जाएं, वो अभी भी इफेक्टिव होंगे। हालांकि मैं इस बात से सहमत हूँ कि वो कम्प्लीटली इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनके जेनेटिकली मटेरियल चेंज हो चुके हैं। सो वैक्सीनेशन इज मस्ट। और दूसरी बात आपको ये समझनी चाहिए कि कोई भी COVID-19 का एक नया वेरिएंट जब कम्युनिटी में आता है तो वो पुराने वेरिएंट को ख़त्म नहीं करता है या पुराना वेरिएंट टोटली एलिमिनेट नहीं होता है। तो वैक्सीनेशन आपको कम्प्लीटली नए वेरिएंट से न बचा सके, लेकिन पुराने वेरिएंट से जिसके अगेंस्ट में वो वैक्सीन आपके लिए बनाया गया है उसके अगेंस्ट तो वो कम्प्लीटली इफेक्टिव होंगे। सो जस्ट गो एंड वैक्सीनेट योरसेल्फ। तो हमें ये चीज़ कम्प्लीटली समझ लेनी चाहिए कि COVID-19 का ये ड्यूरेशन अभी और लंबा चलेगा। सो बी प्रिपेयर्ड, खुद को तैयार रखें, अपनों को तैयार रखें। इफ दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव टू यू, इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आई विल सी यू सून इन एन अनदर वीडियो विद एन अनदर टॉपिक। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड। इट्स मेडिको एक्स साइनिंग ऑफ।